उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे नगरवासियों का आज तीसरा दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय में डटे हुए हैं। आज तीसरे दिन धरने में प्रदर्शन का अनोखा ही तरीका देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर के सामने भजन कीर्तन करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। इस दौरान बड़कोट यमुना नदी से पंपिंग पेयजल योजना के लिए धनराशि स्वीकृति की प्रदर्शनकारियों ने गुहार लगाई। वहीं नगर पालिका बड़कोट में नगरवासी भगवान के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भजन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल में डटे रहे और अपने अपने तरीके से भजन कीर्तन के दौरान मांग दोहरा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़कोट यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव भी है और यात्रा काल में हजारों श्रद्धालु बड़कोट में राशि विश्राम के लिए रुकते भी हैं और स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी पानी की किल्लत से परेशानी झेलनी पड़ती है। हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारी शुरू से अंत तक ये की मांग है, तिलाड़ी बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना धरातल पे उतरे, घर घर पानी पहुंचे और पानी की समस्या से निजात मिले। जब तक पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है और पेयजल योजना धरातल पर नहीं उतरती है, हमारा ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। और अभी तो हम शांति प्रिय और भजन और कीर्तन और हवन के माध्यम से सरकार को जगाना और चेताना चाह रहे हैं। अगर इस रूप में नहीं चेते तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जन आंदोलन और उग्र रूप लेगा। अभी चल रहा है कार्मिक धरना, फिर ये अनिश्चितकालीन धरना होगा, उसके बाद भूख हड़ताल होगी और भूख हड़ताल के बाद हमने लास्ट बोला हुआ अपना, हम अब आत्मसमर्पण करने के लिए भी तैयार हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी पेयजल योजना वित्तीय स्वीकृति होने के साथ ही धरातल पर नहीं उतरती है। सीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं, लेकिन इन्हीं की पूर्ति के लिए इनके यहाँ रसोई में लोटा और गिलास बाल्टी सभी खाली हैं और सभी लोग मूर्छित होने की अवस्था में आ गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सभी का घर घर में पानी पहुंचे, बाल्टी में पानी होना चाहिए, टंकियों में पानी होना चाहिए, ये प्यास से तरस रहे हैं लोग। यहाँ पर यमुना इतना सुंदर, मैं चाहता हूँ पंपिंग योजना बननी चाहिए और पूरे ग्रामवासियों को, पूरे नगरवासियों को जगह जगह टैंक होने चाहिए, बड़े बड़े टैंक होने चाहिए, जैसे नगर योजना का टैंक होता है ऐसा बहुत बड़ा टैंक होना चाहिए। और यमुना का पानी, इतना पवित्र यमुना जल बह रहा है हमारे यहाँ, और वो पानी पंपिंग के द्वारा उस टैंक में एकत्रित होना चाहिए और वहां से घर घर में पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, टंकी घर में लगनी चाहिए और वो पवित्र पानी जाना चाहिए। तो ये जो हमारा पानी होते हुए, हमारी यमुना होते हुए हम लोग तरस रहे हैं, ये दुखद विषय है। इसीलिए सबका सपोर्ट, सबका साथ और ये जरूर होना चाहिए। आज अनशन पे बैठे हैं, एक दिन आएगा मैं भी इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठूंगा, इसमें बिल्कुल भी दोहराए नहीं है। जय श्री राम। भजन कीर्तन, भजन कीर्तन तो करना ही पड़ेगा जब पानी नहीं मिलेगा लोगों को। अगर लोगों को पानी मिलता तो यहाँ भजन कीर्तन करने थोड़े आते, लोग अपनी मेहनत करते, रोजी रोटी के लिए काम करते। लेकिन आज ये समय आ गया है कि नगर पालिका बड़कोट को पानी के लिए जो है यहाँ बैठना पड़ रहा है, धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि यहाँ जो है प्रतिनिधि भी हैं तो ऐसे ही बने आज तक कि इन्होंने कभी इस पानी के बारे में विचार ही नहीं करा। ये आज पहला साल नहीं है कि इस साल यहाँ समस्या है, इस साल कुछ ज़्यादा समस्या है, लेकिन इससे पहले कई सालों से ये समस्या चली आ रही है और इस पर ध्यान न देना हमारे प्रतिनिधियों की नाकामी है। अगर वो हमारे प्रतिनिधि सही होते तो क्या यहाँ की पब्लिक को धरने पर बैठना पड़ता? नहीं बैठना पड़ता। हमने उन लोगों को बनाकर आगे भेजा है और वो हम लोगों के लिए, सरकार से हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे? तो इसलिए जो है मेरा तो इन प्रतिनिधियों से कहना है, जो पूर्व में थे उनके लिए तो खैर क्या कहना, उन्होंने तो बंटाधारी कर रखा नगर पालिका या क्षेत्र का, लेकिन जो बने हुए हैं और जिनको हमने बना के भेजा है, हमारे विधायक जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस मांग को तुरंत जो है इस पर कार्रवाई की जाए। अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये जन आंदोलन का रूप लेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरा नाम मनीषा ठाकुर है, मैं हम लोग यहाँ पानी से बहुत परेशान है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, नहीं तो अपना काम वाम करते। और मैं सरकार से यही करूँगी गुजारिश कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे पंपिंग योजना दे हमारे लिए और हमें वही पानी की पीड़ा से मुक्त कराएं। हमको पानी चाहिए, कहीं से भी लाओ पानी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा परेशान, दो तीन महीने से ज्यादा परेशान हो गए, पूरे मकानों में पानी, नीचे मंजिल ऊपर की मंजिल कहीं पानी नहीं आ रहा। बस
अब ज्यादा क्या बोलो, पानी चाहिए बस। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।